तो बाबा जैसे आप जब संयम में बैठे थे तो आपको ये दिखा कि ये सब स्वचालित है, व्यवस्थित है, इसका कोई निश्चित उद्देश्य है, ये सब आपको दिखा। एक पॉइंट पर जाके क्या आपका ये प्रश्न बना क्या कि ये स्वचालित कैसे है, ऐसा आपका प्रश्न बना? नहीं, कुछ नहीं है, वो तो जैसे एक पत्थर है। हाँ, पत्थर के रूप में कोई वस्तु आया। ठीक है, ठीक है ना, वो बिखरा। ठीक है, बिखरते 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 स्वचालित हो गए। ठीक है, स्वचालित होना से यही परमाणु। ठीक है, बस। तो नहीं तो फिर आपने ये भी तो आगे पाया है कि ये स्वचालित होने का कारण क्या है? कारण क्या है उसको तो बताया ना, सर्वप्रथम उसी को सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में पूरे के पूरे कर दिया है। तो आपको सत्ता भी क्या कुछ जैसे कोई गैस है कुछ इस तरह का दिखता था क्या? मतलब देखा मुश्किल कहा है, समाधि में हमने बताया है हम कैसा देखते। ओ, जैसे आप कह रहे थे कि पानी में आंख खोलो तो उसी को सत्ता हम मान लिया। ओ, तो आपको जो सब कुछ दिखा उसमें वो समाधि में भी सत्ता ही दिखता रहा। ओ, किंतु हमको ऐसा दिखता रहा। ओ, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो आपको दिख रहा था समाधि में वो सत्ता ही? हाँ, सत्ता ही वो दिखता रहा। वो पानी रहा। ओ, तो मतलब बाबा तो संयम में वो क्लियर हो। ओ, तो कल जो एक बात हम लोग कर रहे थे कि समाधि की स्थिति में जीवन एक तरह से शरीर को छोड़ देता है ना? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हम जब आंखों से देख रहे हैं सत्ता में हो जाता है। हाँ, सत्ता में हो जाता है। और अभी जब हम इस शरीर के थ्रू देख रहे हैं तो हमको सत्ता उस तरह दिख नहीं पा, मनुष्य की आंखों में दिखता नहीं है। और जबकि अशारीरिक स्थिति में वैसा दिखने की ओ, क्या बात है बाबा, क्या बात, तो आपने क्रैक मार दिया। क्या सुखद बात। देखिए, वही समाधि में कैसा समझा और वही संयम में कैसा समझा, क्लैरिफाई हो जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस बार तीन चार बहुत अच्छी बातें हुई बाबा, है ना? बहुत अच्छे मुद्दे की बात है ये भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए आपको वही मैं बार बार सोचता था कि ये आप इस चीज को कह रहे हैं कि कुछ है और हमको कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है वो जीवन को दिखता है, मार दो ज्ञान, ज्ञान ज्ञान गोचर है, बहुत वो लिखा है ये ज्ञान गोचर वस्तु। बहुत सुंदर। और क्या लिखो? नहीं तो जीवन को दिखता तो है, लेकिन जीवन को वो एक उसमें एक सेंसरी रूप में भी दिखा, जैसे आप कह रहे हैं जैसे पानी की तरह। ये वो तो इसके कहने की भाषा में वो है। हाँ, अलग पर कुछ दिख तो रहा है। दिखने वाला जो है ना, इसके संयम के बाद हमको भी पता लगा। हाँ, हम समाधि में इसी सत्ता को ही देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बाबा। तभी तो ये सब दिखना बना भाई। ठीक बात, ठीक बात, नहीं तो कहाँ से दिखते। ठीक बात। अब ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि हमको अनुभव होगा तो हमको भी वैसा ही दिखेगा, तो शरीर रहते हमको वो दिखेगा या केवल हमको ये समझ हमारे ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर बताया है, आप ज्ञान गोचर विधि से आपको दिखेगा। अच्छा, पर आपको ज्ञान गोचर से ज्यादा दिखा? ज्ञान गोचर विधि से हमको संयम में दिखा, आपको अध्ययन से दिखेगा। ठीक बात। लेकिन जो आपको समाधि में दिखा था उसको क्या कहेंगे? वो दृष्टिगोचर वो नहीं, वो दृष्टिगोचर भी नहीं, ज्ञान गोचर भी नहीं, दोनों नहीं है। अच्छा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको जो है ना घटना कहेंगे। अच्छा, बहुत एक घटना कहेंगे। हमारा भाषा में हम तो घटना कहेंगे। तो घटना को परिभाषित करिए जरा। परिभाषित करना वही है, घटना जो है ना अकस्मात हो गया, ऐसा दिख गया। अच्छा, तो घटना आप जब बोलते हैं इससे आशय क्या है कि इसमें कोई किसी प्रक्रिया में है, जैसा एक पत्थर तोड़ना शुरू किया। ठीक बात, ठीक बात। जैसा कि रूपक शुरू किया। हाँ, हाँ। और घर तोड़ी में लगा है, टूटता नहीं। एक सौ बार मारा, एक सौ एक बार में टूट गए, तो इस सौ बार का प्रभाव तो जैसा रहता ही है वैसे ही घटना है। सौ बार जो घटना टूटने का कारण बनता रहा वो घटना है। तो जब आप टूट गया वो आकलित हो गया। घटना का परिणाम है वो टूटना। ठीक है, ये घटना का कारण है। कारण क्या है? ये जो सौ जो तक था। हाँ, वो जो विभाजित। अच्छा, होने का कारण रहा। अच्छा,
अच्छा विभाजन जो है ना आकलन में आ गया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि समाधि में आपको जो दिखा उसके पहले से काफी सारी तैयारी हो रही थी और वहां पर वो दिख गया, एक बात तो वो कह रहे हैं आप। वो तो ध्यान के रूप में उसमें जो जो परिश्रम किया उसका फल है समाधि। समाधि में जो हुआ हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गए, हमको आकर्षित हो गए, उसमें कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो उसी जैसा दिखता रहा उसी बात को जब क्लासिफिक हुआ संयम में और सत्ता के रूप में अनंत प्रकृतियां बिगता हुआ बिगा हुआ देख लिया, वो उसी प्रकार से हमको वो भी दिखा था समाधि में भी। तो आपने उसको लिंक किया। वो बढ़िया हो गया भाई, बढ़िया हो गया, उसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बहुत बड़ी भाई काम। तो एक तो ये है बाबा इसका दिखना, लेकिन जो आपका ये निष्कर्ष है कि यही ऊर्जा या यही ज्ञान है। ये जो ये ऐसा होता है देखो, वस्तु अपने में कोई ताकत नहीं, ठीक है, भौतिक रासायनिक वस्तु में कोई ताकत, ताकत जो है ना ऊर्जा की है। ये कैसे आपने निष्कर्ष निकाला कि भौतिक क्रियाशीलता के आधार पर नहीं, लेकिन हर वस्तु क्रियाशीलता के रूप में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आधार पर निकाल लिया। नहीं, लेकिन इसमें ताकत नहीं है ये कैसे आप कह रहे हैं? इसके अलग अलग तो देखा नहीं जा सकता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसमें ताकत के साथ जो है ना वो रहता तो अलग से अलग हो जाता। ये स्वयं में ताकतवर होता है, ऊर्जा से अलग होता। ये बात नहीं समझ में आई। एक तर्क है एक प्रकार से कि अगर ये खुद स्वचालित हो सकता तो अलग भी पाया जाता। ये कह रहे हैं पर अलग की कोई जगह ही नहीं है तो कहाँ जाए बेचारा। अलग ऊर्जा से अलग नहीं होता है ना भाई। पर वो तो कहे कि भाई ये ऊर्जा सब जगह फैली है, मैं तो जा सकता था लेकिन ऊर्जा ऊर्जा नहीं है ऐसा जगह ही नहीं। हाँ। तो एक ये हुआ। हाँ। ऊर्जा से बाहर जा नहीं सकता। हाँ। ये दो हो गया। हाँ। इसके आधार पर ऊर्जा संपन्नता के आधार पर कैसे ऊर्जा का स्थिति वही आ जाए। बाहर यदि ऊर्जा नहीं होते वो वस्तु बाहर हो ही जाता। नहीं, इसमें तो बाबा ऊर्जा का पैस वस्तु को है, वस्तु का पैस ऊर्जा को है। हाँ, वो भी ठीक है। ऐसा ऐसा का कंक्लूड हुआ। नहीं, मेरे अंदर एक नहीं, बाबा इसको सुना नहीं, इसको अच्छे से सुनो। आपने कहा ऊर्जा का प्यास वस्तु को है, ऊर्जा का प्यास वस्तु को है, वस्तु का प्यास ऊर्जा को है, ऊर्जा को जो है वस्तु का प्यास है। इस ढंग से वो कॉम्बिनेशन बन गए, उसी का नाम हम सहअस्तित्व नाम दे रहे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है बाबा, मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि जैसे कि ऐसी कोई जगह जो आपने कहा कि वस्तु में ताकत नहीं है, ये कंक्लूजन कैसे आता है? ऊर्जा के बिना रहता ही नहीं ना। पर वो तो इसलिए कि ऊर्जा के बिना की कोई स्थली ही नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। तो फिर कैसे? इसी कारण से ऊर्जा के बिना तो ये रह नहीं सकते। अरे उसको क्यों गणना नहीं करते है? नहीं बाबा, ये जो भाषा आप बोल रहे हैं, ऊर्जा के बिना ये रह नहीं सकते इसीलिए ऊर्जा में है। नहीं, ऊर्जा के बिना पाया नहीं जाता एक बात है, रह नहीं सकते, ये जा भी नहीं सकते। तो वो तो सही बात है, इसलिए क्योंकि ऊर्जा सर्वत्र है। ये इसीलिए इन दोनों का परस्पर से प्यास है। वस्तु का प्यास वो सत्ता में है, लगा हुआ है, तभी तो सत्ता में समय है, सत्ता खुश है। यथावत ऐसी भाषा ठीक है क्या बाबा? संतुष्ट है ऐसी भाषा ठीक है क्या? पूर्णता का अर्थ को क्या कहा जाए? संतुष्ट कहा जाए क्या? संतुष्ट कहा जाए नहीं, वो शायद पूर्ण स्थिति पूर्ण रेखा है। हाँ, वो तो पूर्ण तो है बाबा, वो बात सही है। स्थिति पूर्णता से क्या संतुष्टि होगी? क्या होती होगी? सही बात, माना जाए, कोई बुराई नहीं आपकी भाषा में, बुरा नहीं। हाँ, हाँ। तो मानव के हैसियत से बुरा। हाँ, ठीक 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 है ना, ऐसा माना जाए। तो उसके बाद जो है ना, जैसा ये समझ में आ गया, ये इसको नहीं छोड़ सकता है, वो उसको नहीं छोड़ सकता, इसीलिए सहअस्तित्व नाम हुआ। वो तो बिल्कुल ठीक है, सहअस्तित्व है, अविभाज्य है, ये बातें बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ऐसा हो गया, वो भी उसके आगे का पूरा प्रगठन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक यही छोटा सा मुद्दा है कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें ताकत नहीं है,
ये निष्कर्ष आपका कैसे निकला, ये हमको भी हो जाए तो एक बड़ी, वही तो एक उसी को कहता हूं ना, ये इसको छोड़ नहीं सकते, उसको नहीं, वो छोड़ नहीं छोड़ सकते, ये प्रकट होने के लिए इसको जरूरत है, सत्ता को जरूरत इस ढंग से तर्क से, अभी अपन सोचेंगे तो मानव की हैसियत से, तो सत्ता में सत्ता का प्यास कैसा मनाएगा है? सत्ता जो प्रकट होने के लिए वस्तु चाहिए, वस्तु को जो है ऊर्जा चाहिए क्रिया करने के लिए, वो भी अभी हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, बट नहीं ठीक बात होने का अध्ययन है, पर बिना सत्ता के ये चलेगा कि नहीं, क्रियाशील होगा कि नहीं, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते ना, तो सत्ता के बिना तो जगह ही नहीं, तो कहाँ कहाँ करोगे, हाँ वो ठीक बात है, इसलिए दोनों दोनों को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, सत्ता में यदि सत्ता का सत्ता यदि चाहता साथ में होता तो इसको ओमिट कर सकते थे, नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज चाहत नहीं है उसमें, पर ये भाषा तो बाबा बड़ी वैसी हो रही, मतलब सत्ता में चाहत वगैरह की अगर हम बात करें तो ठीक है, चाहत वस्तु में है, चाहत जो है ना उसमें ऊर्जा में नहीं है, आपने ये कहा कि अगर उसमें चाहत होता तो वो ओमिट कर सकता था, चाहत के बारे में, चाहत के तीव्रता निश्चित दायरे में होते, निश्चित दायरे में नहीं तो चाहत कहाँ है, अच्छा वो तो ठीक है, सत्ता के लिए आप कह रहे हैं कि उसमें चाहत उपयुक्त शब्द नहीं है, प्रवेश आधार पर चाहत नहीं है, वो तो ठीक है, सर्वत्र होने के पश्चात ना कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं भी जाओ सत्ता ही है, रहना हमारे मुट्ठी में है, ऐसा हो गया, ज्ञान भी वैसे ही है, ज्ञान के साथ देना भी क्या है, प्रबद्धता पूर्ण सत्ता व्यवस्था का स्वरूप में ग्रंथ है, उसमें बंदूक बारूद कुछ है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी बाबा, कि जो सही सत्ता है वो प्रबुद्धता युक्त ही है, वो बात बिल्कुल सही है, मतलब व्यवस्था होगी तो प्रबुद्धता पर आधारित होगी, वो ठीक बात है, व्यवस्था व्यवस्था की व्यवस्था के बिना मनुष्य संतोष हो नहीं सकता, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक, इसके मतलब ये होगा हम प्रबुद्धता के बिना कोई संतुष्टि का रास्ता नहीं, उसी आधार पर कह रहे हैं, पूरे बात उसी कंसेप्ट के ऊपर है, ये भी ठीक कह रहे हैं आप कि अगर मनुष्य को देखें तो बिना ज्ञान के रह नहीं सकता, उस रूप में आप कह रहे हैं कि वो बिना उसके रह नहीं सकता, बिना बिना पदार्थ के रह नहीं सकता, तो ये बाबा क्या आपने, क्योंकि आपने देखा कि चैतन्य प्रकृति ज्ञान के बिना रह नहीं सकती, फलस्वरूप आप कह रहे हैं कि जड़ प्रकृति भी ऊर्जा के प्रकृति भी ऊर्जा के बिना कहाँ रहता है, तो ये आपका निष्कर्ष चैतन्य प्रकृति को समझने के आधार पर है, आधार पर है, आई डोंट थिंक शायद ठीक से समझे नहीं, रिपीट चेक कर, मैं एक बार पुनः स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूँ, वो सब हम मुझे समझा पता, हाँ बताइए बताइए, आपने ये कहा जड़ प्रकृति ऊर्जा के बिना रह नहीं सकता, मूल ऊर्जा के बिना कार्य ऊर्जा के पहले की, ठीक बात ठीक बात ठीक बात, कार्य ऊर्जा का कारण रूप में कार्य ऊर्जा कारण ऊर्जा, तो वो तो है ना मूल ऊर्जा के रूप में जब हुए बिना कार्य कर ही नहीं सकता, ये एक निष्कर्ष निकले, उसी प्रकार चैतन्य प्रकृति को चेतना के बिना कार्य कर नहीं सकता, ये भी निकल गए, उसी आधार पर मानव को कहता है मानवत्व के बिना ये संसुखी हो नहीं सकता, नहीं मैं तो ये कह रहा था पहला निष्कर्ष दुखी होने के लिए मानव के पास ही जुगाड़ हुआ है, जीव चेतना को अपना करके दुखी होना दुखी करना, जो जिसके पास रहता है उसी को आवंटित करता है, ठीक बात ठीक बात, नहीं लेकिन मैं ये कह रहा था बाबा कि हम चैतन्य प्रकृति हैं, जैसे आप अध्ययन करने वाला एक चैतन्य प्रकृति का अंश है, तो ये निष्कर्ष तो वो अपने आप में निकाल सकता है कि देखो भाई ज्ञान के बिना मेरी कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी, है ना, तो इसलिए ज्ञान आवश्यक है, बिना समाधान नहीं है, हाँ नहीं किसी भी तरह की अभिव्यक्ति नहीं होगी, जीव चेतना में जीव ज्ञान के बिना अभिव्यक्ति नहीं, ठीक है, तो क्या हम इसी से फिर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जिस तरह से चैतन्य प्रकृति में ज्ञान के बिना अभिव्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार से जड़ प्रकृति में ऊर्जा के बिना अभिव्यक्ति नहीं, तो आपने क्या ये चैतन्य को समझने के बाद जड़ के बारे में निष्कर्ष निकाला है या उल्टा है, नहीं वो दोनों को हम अध्ययन के बाद देखा है, बाबा ने तो इसमें दोनों समझने की बात, पर हमारे लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ठीक बात है बाबा, ये अपने आप में देख सकते हैं, सही बात, की बात है, ब्रिलियंट,
पर टू मच बाबा इस बार ये बहुत बड़ी मेरी साहसिकता की बहुत अच्छी बातें हुई क्योंकि आप समझना एक अलग चीज है, इसको मानव के सम्मुख रख सकते हैं, ऐसा मॉडल बन जाना है ये एक अद्भुत बात होगा बाबा। मॉडल बनना ही ये समझ में आएगी तो मॉडल बनना तो स्वयं स्फूर्त है बाबा, बनता ही मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता मुश्किल। बात वही समझना ही बस थोड़ा सा यही वही बात समझ में ही बात के कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गए। बहुत सुंदर। एक्चुअली जो ये चैतन्यता वाली बात है वो तो हम अपने में जांच ही सकते हैं, हर व्यक्ति जांच सकता है। उसी के आधार पर जो जड़ में ऊर्जा का रोल है उसे भी समझने का एक स्टेप मिल जाता है। ठीक बात हो गई। बिल्कुल ठीक बात, फिट हो गए बिल्कुल। मतलब मैं बार बार ये स्ट्रगल कर रहा था तो ये कुछ अच्छी ही घड़ी है बाबा, कल और आज परसों सभी सभी क्लियर हो गए। क्लियर होने के लीन बन गए ना, ठीक बात, लीन बन गए बस क्लियर हो गए। सुपर सुपर, बहुत सुंदर बाबा। <आगता है। laughs> रोक दूं क्या?